जय हिंद डियर एनडीए एस्पिरेंट्स, दिस इज तनिष गादिया फ्रॉम इंदौर डिफेंस एकेडमी। सो एनडीए का रिजल्ट आ गया है आज, बहुत सारे बच्चे बहुत खुश है, ठीक है, और होना भी चाहिए बिकॉज यू हैव वर्कड रियली हार्ड फॉर इट। ठीक है, बहुत सारे बच्चे आज थोड़े मायूस है, थोड़े नर्वस है, बट ठीक है, क्योंकि एक चीज़ समझो कि जो बच्चों ने क्वालिफाई किया है उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी, अपना 100% दिया है, ठीक है ना। हमने थोड़ी सी कसर छोड़ दी है, ठीक है। सो आज का दिन वही एक तरह से सेल्फ एनालिसिस का है, सेल्फ रिफ्लेक्शन का है कि हमने क्या ऐसी चीज़ें नहीं करी, ठीक है ना, और उन लोगों ने क्या ऐसी चीज़ें करी जिसके कारण वो क्वालिफाई करें एनडीए, ठीक है। सो आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो बच्चे एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, जिनकी थोड़ी सी कसर रह गई है, ठीक है ना। तो वो क्या कसर रह गई है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव करोगे अगर आने वाले अपने शेड्यूल में, ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट जो है वो अप्रैल में आ रहा है, आपके पास 6-7 महीने अभी हैं, ठीक है, सफिशेंट टाइम है। अगर आप आज भी स्टार्ट करते हैं देन ऑल्सो यू हैव सफिशेंट टाइम टू इम्प्रूव योर सेल्फ, योर परफॉर्मेंस, एंड अगर सब अच्छा रहा, सब सही से आपने किया, तो मे बी आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है ना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम एक कोट के साथ स्टार्ट करते हैं कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस, ठीक है ना। ये जो फेलियर आज हमें मिली है, जो छोटा सा सेटबैक हमें मिला है आज, ठीक है ना, ये हमारी अल्टीमेट फेलियर नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आगे आने वाली जो सक्सेस है ये उस जर्नी का एक हिस्सा है, ठीक है ना। आज हमें ये फेलियर मिली है, आज ये दिल पे लगी है, तो कहीं ना कहीं आप अपने परफॉर्मेंस, अपने आप शेड्यूल में, अपने प्लानिंग में, अपने हर चीज़ में, अपने रूटीन में आप इम्प्रूवमेंट लाएंगे, और वो इम्प्रूवमेंट ही आपकी सक्सेस की वजह बनेगा। सो क्या क्या ऐसे हमें चेंजेस लाने हैं, क्या क्या हमें अपने परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए, क्या क्या हमें न्यू चीज़ अपने शेड्यूल में एड ऑन करनी है, वो हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले एनालाइज योर परफॉर्मेंस, ठीक है। सो आई एम श्योर कि आपने पेपर देने के बाद एनालिसिस किया होगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हैं, ठीक है, सब करते हैं, लेकिन आपने क्या ये एनालिसिस किया है कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने अटेम्प्ट तो किए हैं बट मुझे काफ़ी स्ट्रगल हुआ वो क्वेश्चंस अपियर करने में, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लें, जैसे कि इस बार मैथ्स में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, ठीक है। सो क्या प्रोबेबिलिटी आपका वीक टॉपिक है, आपने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए हैं, कुछ सही भी हैं, ज़रूरी नहीं कि सारे गलत हैं, कुछ सही भी हैं, पर आपको बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रगल लगी उस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, जहाँ आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन लगना चाहिए या उससे भी कम, वहाँ आपने 2-3 मिनट दिए उस क्वेश्चन में। सो ऐसे टॉपिक्स को आप अलग छाँट लीजिए, ठीक है, और ऐसे भी टॉपिक्स को छाँट लीजिए जो आपकी वीकनेस है, जो आपसे बन नहीं रहे थे इस बार अटेम्प्ट में, ठीक है ना। सो ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है स्टार्ट के लिए, ठीक है। वो एनालिसिस करके आपको आपके वीक एरियाज जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे, एज वेल एज योर स्ट्रेंथ ऑल्सो, ठीक है। सो आपके स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता रहेंगे, सो इट विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू टू मेक अ गुड स्टडी प्लान, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि आपको एक मेंटोर का गाइडेंस लेना बहुत कंपलसरी है, ठीक है ना। देखो अगर आपको कोई ए लोकेशन से, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है ना, और अगर आप खुद से जा रहे हैं तो आपको लेट से 10 मिनट लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने किसी से रूट समझ लिया है, आपने मोस्ट कन्वीनियंट वे समझ लिया है, चाहे गूगल मैप से, चाहे किसी से आपने गाइडेंस ली लोकल सिटी, जो भी आपके फ्रेंड वगैरह या फैमिली है, सो आप वो रास्ता जो है जल्दी तय कर लेंगे। बस उसी तरीके से आपको इस जर्नी में भी एक मेंटोरशिप की ज़रूरत है। आप चाहो तो कोई अच्छा एकेडमी ज्वाइन करो, आप कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो, अगर आपकी कोई और मेंटर है जो आपको पर्सनल लेवल पे, डिफेंस के लिए पर्सनल लेवल पर अच्छे से गाइड कर सकते हैं, आप उनसे गाइडेंस लीजिए, ठीक है ना। बट मेक श्योर आप जिससे भी गाइडेंस लें, दे आर गुड अबाउट इट, दे आर श्योर अबाउट इट, एंड दे आर एक्सपर्ट ऑन इट, ठीक है ना। सो आप मेंटोरशिप लीजिए। हाँ, कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन प्रॉपर मेंटोरशिप ले नहीं पाते, ठीक है ना। सो मेंटोरशिप लेने का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया या किसी से पूछ लिया कि चलो क्या होता है, कैसे पढ़े, वैसे नहीं। जो वो बता रहे हैं, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, वो तरीका भी आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप उसके सही से उसका फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट है डेवलप अ स्टडी प्लान, ठीक है। सबसे पहले हमने एनालाइज कर लिया हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस, ठीक है ना, उसके बाद में हमने एक मेंटोरशिप भी फाइनल कर ली कि हमें कहाँ से लेना है, उसके बाद में आप एक स्टडी प्लान बनाएंगे। ये जो स्टडी प्लान है ये आप अपने मेंटोर से भी डिस्कस कीजिए और आप खुद भी इसमें अपना सेल्फ एनालिसिस डालिए, क्या, क्योंकि आप बेस्ट जानते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, आपको कौन से टॉपिक में कितना टाइम लगने वाला है। सो उस अकॉर्डिंगली आप एक अच्छा स्ट्रेटेजिक और डिसिप्लिन्ड स्टडी प्लान बनाएं, ठीक है। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जब आप अपना स्टडी प्लान बनाएं, तब आप सभी सब्जेक्ट्स को एज पर देयर वेटेज इक्वल इंपॉर्टेंस दें, ठीक है ना, इक्वल या फिर एक पर्याप्त इंपॉर्टेंस दें, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि जैसे कई बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स 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 पढ़ते हैं,
और जीएटी के सब्जेक्ट्स को थोड़ा अवॉइड करते हैं, ठीक है ना। सो उससे भी अपना पेपर नहीं निकलेगा। कई बच्चे ऐसे हैं जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इंग्लिश ये सब बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी इनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। सो कहीं ना कहीं आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना पड़ेगा अमंग ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तभी आपका जो है ओवरऑल एक सिस्टमेटिक प्लान जो आपने बनाया है वो सही से इम्प्लीमेंट होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि आपको रेगुलर जो है प्रैक्टिस रखना है, ठीक है ना। प्रैक्टिस से ही आप एक जजमेंट लगा पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि प्रैक्टिस के बाद अब आप जब अपना स्कोर चेक करोगे तब आपको जजमेंट लगेगा कि आपको टॉपिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके आप बिल्कुल बेझिझक प्रैक्टिस कीजिए, जो आपकी वीकनेस वाले एरियाज हैं उनके आप पहले कॉन्सेप्ट थरली समझिए, ठीक है ना। उसके बाद उसके थोड़े इजी लेवल के क्वेश्चन कीजिए, फिर मॉडरेट लेवल के और फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चंस कीजिए, ठीक है ना। ऐसे सिस्टमेटिकली आप बढ़ोगे तो आपकी प्रैक्टिस भी सही होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छे से बढ़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट पे स्पेशल फोकस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। क्यों? ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो रिसेंटली अभी एग्ज़ाम के बाद मेरा इंटरेक्शन हुआ था और कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, बट सिर्फ एक दो चीज़ें थी जिसमें एक चीज़ टाइम मैनेजमेंट थी कि वो टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाए। आप शुरू में बिल्कुल क्वेश्चंस में आराम आराम से करे जा रहे हैं, ठीक है ना, और एंड में जाके आपको हौच पौच हो रही है क्योंकि 2.5 घंटे के दो पेपर हैं, ठीक है, ढाई ढाई घंटे के। अब 120 क्वेश्चन है मैथ्स में, आपने शुरू के 1.5 घंटा तो आराम आराम से करा और फिर पीछे के 1 घंटे में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेंडिंग रहेगा, या फिर जो क्वेश्चंस आपने शुरू में छोड़े थे रिव्यू के लिए वो क्वेश्चंस छूट गए। सो टाइम मैनेजमेंट शुरू से ही प्लान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। इसका सही तरीका ये है कि एक तो आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, जब भी आप पढ़ने बैठे, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टाइमर लगा कर पढ़िए, क्वेश्चंस करिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि आप मॉक टेस्ट जब भी करें, जैसे आप अगर आप हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो वो आपको टाइम बेस्ड मिलते हैं, ठीक है ना। सो आपको उससे काफ़ी अच्छे से आइडिया लग जाता है कि यार एग्जाम टाइम में रियल टाइम में कैसा प्रेशर रहेगा और मुझे शुरू से कितनी स्पीड मेंटेन करना है ताकि एंड तक मुझे कोई दिक्कत ना हो, जो मैंने क्वेश्चंस हेल्ड फॉर रिव्यू रखे हैं उनको भी मैं ठीक से चेक कर लूँ, ठीक है ना। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी से ही रूटीन में लाइए, तब जाके आपका एंड एंड तक ये परफेक्शन आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है कि आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के बारे में हमेशा अपडेटेड रहना है। देखो डिफेंस की एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एग्जाम ये यूपीएससी ले रहा है, यूपीएससी कोई छोटा नाम नहीं है, ठीक है ना। सो करंट अफेयर्स इन डेप्थ पूछते हैं वो, इवन जब आप एसएसबी में जाओगे सो बहुत सारे कॉमन जो ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक्स होते हैं या फिर लेक्चरेट के टॉपिक्स रहेंगे दैट कम्स फ्रॉम करंट अफेयर्स, ठीक है ना। सो करंट अफेयर्स डेली पढ़िए, आप वीकली पढ़िए जैसे चाहे, ठीक है ना। आप चाहो तो न्यूज़पेपर से पढ़ो, मैगजीन से पढ़ो, इंटरनेट में आपको ढेर सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। हमारा इंदौर डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम का चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है ना। वो जो डेली करंट अफेयर्स है वो हम 3-4 न्यूज़पेपर को मिक्स कर स्पेशली एनडीए सीडीएस के स्टूडेंट्स के लिए क्यूरेट करते हैं। सो वो पीडीएफ आप ज़रूर चेक करिए, ठीक है, उससे आपका करंट अफेयर्स का जो कोटा है वो डेफिनेटली पूरा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, ठीक है, उसको आप अभी से इम्प्रूव करना शुरू करो, ठीक है ना। आई एम श्योर कि ये आप ऑलरेडी कर रहे होंगे अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट है तो, अगर आप इस पे ध्यान नहीं भी दे रहे हैं सो नाउ इज़ द टाइम दैट यू स्टार्ट, ठीक है ना। सिर्फ रिटर्न एग्जाम नहीं निकालना है, आगे जाके एसएसबी भी क्वालिफाई करना है। आज जैसे रिजल्ट आया है अभी कुछ टाइम में एसएसबी आ जाएगा, सो ऐसा कोई 1-2 महीने में मैजिक नहीं हो जाता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम से जीरो से हीरो हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सो यू हैव टू कंसिस्टेंटली वर्क ऑन इट, यू हैव टू गिव इट सफिशेंट टाइम, ठीक है ना, तभी वो अंदर से वो चीज़ आती है, ठीक है ना। आप फेक कर लोगे तो कुछ टाइम के लिए कर लोगे, लेकिन एसएसबी में 5 दिन तो आप फेक नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेस्ट सॉल्यूशन है कि आप उसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करो, ठीक है ना। कम्युनिकेशन स्किल सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप मिरर प्रैक्टिस करो। आप अगर आपका फ्रेंड सर्कल्स राइट सेट, राइट माइंडसेट का है तो आप वो उनके साथ कर सकते हैं, आप फैमिली के साथ भी डिस्कस कर सकते हैं। बेस्ट तरीका है जो भी करंट अफेयर्स हैं वो आप कोई भी टॉपिक लीजिए, आप उसके बारे में एक थोड़ा सा ब्रीफ स्टडी कीजिए एंड देन 2 और 3 पीपल आप ज्वाइन अपने साथ लीजिए और ग्रुप डिस्कशन करिए उस पर, क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या कंक्लूजन है, ठीक है ना। अभी जैसे एसएसबी आ रहा है, जो बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है आप पीपीडीटी की स्टोरी लो, अपना अपना तीनों स्टोरी लिखो एंड देन जस्ट स्टार्ट डिस्कसिंग, ठीक है ना। जब तक आप कैंडिडली इंग्लिश में कम्युनिकेशन या वर्बल एक्सचेंज नहीं करोगे, जब तक आपकी इंग्लिश एकदम से फ्लुएंट नहीं होगी, सो वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स के और भी कई एस्पेक्ट है, उसके लिए हम फिर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है मेंटेन फिजिकल फिटनेस, ठीक है ना। अब ये मुझे शायद बोलने की ज़रूरत नहीं है, डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, सुबह उठकर अपने को ग्राउंड जाना ही जाना है, 1-1.5 घंटा अपने को रनिंग प्लस थोड़ी एक्सरसाइजेस करना है, ठीक
ठीक है ना। उसका फायदा आपको फिजिकली फिट रहने में तो है ही, लेकिन आप उससे मेंटली भी फिट रहेंगे, ठीक है ना। दिन भर जो आपका शेड्यूल है, आपको लेजीनेस नहीं आएगी, आपका जो शेड्यूल है वो इफेक्टिवली फॉलो कर पाएंगे अगर आप फिजिकली थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं तो, ठीक है। लास्ट है और बट नॉट द लीस्ट, स्टे मोटिवेटेड एंड परसिस्टेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये तो बहुत ज़रूरी है, आज हमारा एनडीए में सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। आज ऑन अ स्केल अगर हम गिने कि हम 10 में से लेट से हम 5 है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, जैसे कि ये भाई साहब है। लेकिन अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप 10 में से 10 भी अपने आप को देख पाएंगे फ्यूचर में, ठीक है ना। आज हम वो नहीं है जो हम बनना चाहते हैं, ठीक है, बट अगले 6-7 महीने हम कैसे बिता रहे हैं, वो हमारा रूटीन क्या है, हमारा शेड्यूल कैसे हम इम्प्रूव करते हैं अभी की गलतियों से सीख कर, ठीक है ना, तब हमें पता चलेगा कि हमारा फ्यूचर कैसा दिखता है। और आई एम श्योर कि अगर आप ये 10 बातें याद रखेंगे अपने शेड्यूल में, इसको इनकलकेट करेंगे, ठीक है, और जैसे बताया है उसको आप वैसे ही करेंगे, अपना 100% डेडिकेशन देंगे, 100% ऑनेस्ट रहेंगे, किसी और से नहीं बट आपके खुद से, ठीक है ना। एक बार स्टडी प्लान बना लिया, बना लिया, आज ये टॉपिक करना है, करना ही है, एनी हाउ। रात को लेट जगिए, सुबह जल्दी उठिए, अपना फ़ोन का टाइम कट ऑफ कीजिए, अपना खेलने का टाइम कट ऑफ कीजिए, लेकिन जो शेड्यूल है उसको फॉलो कीजिए। हाँ किसी दिन शेड्यूल जल्दी कंप्लीट हो गया तो आप जाओ ग्राउंड में खेलने, बढ़िया, लेकिन शेड्यूल फॉलो करना मस्ट है, ठीक है। ये ऑनेस्टी रखेंगे, ये इंटीग्रिटी रखेंगे, ये डिसिप्लिन रखेंगे आप अपनी लाइफ में, सो आई एम श्योर कि अगला वाला अटेम्प्ट जरूर निकाल लेंगे, ठीक है। ठीक है चलो लास्ट में मैं कंक्लूड करने से पहले बस ये कुछ लाइंस हैं विच विल हेल्प यू टू गेन मोटिवेशन, ठीक है। रिमेंबर सेटबैक्स आर अ पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। यूज दिस एक्सपीरियंस टू ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मोर डिटरमाइंड इन योर परस्यूट ऑफ अ करियर इन द डिफेंस सर्विसेज, ठीक है ना। सो ये जो सेटबैक मिला है छोटा सा, ये सेटबैक से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। हाँ आज थोड़े से हम मायूस हैं, थोड़े से हम नर्वस हैं, ठीक है, लेकिन बस इतना याद रखना है कि जिन लोगों का क्वालिफाई हुआ है उन्होंने हमसे कुछ तो एक्स्ट्रा किया है, इसीलिए उनका क्वालिफाई हुआ है, और हमने वो थोड़ी सी कसर जो छोड़ी है, अगले अटेम्प्ट में हम अपना 101% देंगे, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम पूरा अपना शेड्यूल फॉलो करेंगे डेफिनेटली अपना एनडीए नेक्स्ट टाइम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो आज आप बस इसी थॉट्स के साथ सोइए आराम से, और कल से एक नया दिन है, नई शुरुआत है, और नेक्स्ट अटेम्प्ट अप्रैल 2024 वाले के लिए बिल्कुल भिड़ जाइए आराम से, ठीक है। और बिल्कुल आपको कोई भी डाउट्स हैं एनडीए से रिलेटेड, इन जनरल डिफेंस करियर से रिलेटेड, आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर डेफिनेटली कॉल कीजिए, आवर टीम विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, ठीक है। हमारे जो एनडीए के न्यू ऑफलाइन बैचेस हैं वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, सो इफ़ योर टारगेट इज नेक्स्ट अप्रैल, सो कम जॉइन अस एंड वी विल हेल्प यू टू क्लियर योर एनडीए एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।